तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के स्टूडेंट दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एडसेंस अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से कैसे लिंक कर सकते हो। यानी दोस्तों जब आप अपने यूट्यूब से या फिर ब्लॉगिंग करके वेबसाइट के थ्रू पैसे अर्न करते हो तो उस पैसे को दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए अपने जो बैंक अकाउंट है उसको अपने एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ता है या फिर अपने बैंक अकाउंट को एडसेंस में ऐड करना पड़ता है, ताकि आपकी जो भी अपर ऑनलाइन अर्निंग हुई है चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो या फिर दोस्तों वेबसाइट्स के थ्रू हो, ऐप्स के थ्रू हो, किसी के थ्रू हो, लेकिन आप एडसेंस के थ्रू जो पैसा अपने अकाउंट में मंगाना चाहते हो उसके लिए दोस्तों आपको अपने अकाउंट को अपने एडसेंस में लिंक करना होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे यहाँ पर अपने अकाउंट को एडसेंस में लिंक कर सकते हो। और गाइस, एडसेंस में बैंक अकाउंट को ऐड करने में सबसे मेन दिक्कत आती है स्विफ्ट कोड का। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि आप स्विफ्ट कोड कैसे यहाँ पर फाइंड कर सकते हो अपने बैंक का, क्योंकि जब भी आप अपने एडसेंस में अपने बैंक को ऐड करने के लिए जाओगे लिंक करने के लिए तो वहाँ पर एक आपको BIC कोड या फिर दोस्तों स्विफ्ट कोड यहाँ पर मांगा जाता है एडसेंस की तरफ से, जिसको दोस्तों आप जब तक फिल नहीं कीजिएगा वो आपको सेव नहीं कर पाओगे, ऐड नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो को दोस्तों आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी दोस्तों हम आ चुके अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, यहाँ पर हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। और क्रोम ब्राउजर में दोस्तों जाने के बाद यहाँ पर आपको अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं एडसेंस टाइप करेंगे, उसके बाद हम अपने एडसेंस में लॉग इन हो लेंगे ताकि दोस्तों यहाँ पर हम अकाउंट को अपने ऐड कर सकें। तो यहाँ पर आपको एडसेंस में चले जाना है। तो अभी दोस्तों हमारा एडसेंस में हमने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको एडसेंस ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जहाँ पर आपको सारा समरी दिखाता है आपका कितना डॉलर यहाँ पर बैलेंस हुआ है, आपके एडसेंस में कितना आपने अर्निंग किया हुआ है। तो साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, देखिए ये वाला ऑप्शन है पेमेंट का। तो इस दोस्तों पेमेंट पर आपको क्लिक करना है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो गाइस पेमेंट्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर सामने इंटरफेस खोल कर आता है, जहाँ पर दोस्तों सबसे ऊपर आपको आपकी जो यहाँ पर अर्निंग होती है वो शो होती है कि आपने टोटल अभी तक कितनी अर्निंग की है एडसेंस में, और उसके नीचे ट्रांजेक्शन होते हैं। और उसी के साइड में दोस्तों एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हाउ यू गेट पेड। तो इसमें दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा ऐड पेमेंट मेथड, तो यहीं पर दोस्तों आपको क्लिक करना है ऐड पेमेंट मेथड पर। यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके जो बैंक के डिटेल्स डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, और इसके बाद दोस्तों आप अपने बैंक को यहाँ पर ऐड कर सकते हो बैंक अकाउंट को एडसेंस के साथ। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ऐड पेमेंट मेथड पर, देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाएगा पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए सारा कुछ, जो भी डिटेल्स चाहिए बैंक आपको सारा कुछ यहाँ पर ऐड करने के लिए आ जाएगा। तो सबसे ऊपर यहाँ पर मिलते हैं आपको बेनिफिशियरी आईडी, जो कि दोस्तों ऑप्शनल है, इसको आप नहीं भी फिल कीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। और सेकेंड है दोस्तों नेम ऑन बैंक अकाउंट, यानी कि दोस्तों आप जिस बैंक अकाउंट को ऐड करने वाले हो उस पर दोस्तों जो नाम होगा वही दोस्तों यहाँ पर आपको डालना होगा, और बैंक कौन सा है बैंक का नेम डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप डालना है IFSC कोड, जो कि दोस्तों आपके अकाउंट का जो पासबुक होगा उस पर आपको IFSC कोड देखने को मिल जाएगा। और इसके नीचे दोस्तों है एक स्विफ्ट यानी BIC कोड, यही दोस्तों मेन प्रॉब्लम करता है सभी लोगों को कि आप स्विफ्ट कोड सभी लोगों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि दोस्तों स्विफ्ट कोड है सभी जो ब्रांचेस का स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं होते, जो कि दोस्तों कुछ बड़े बड़े ब्रांचेस है उन्हीं दोस्तों ब्रांचों के जो स्विफ्ट कोड अवेलेबल है। आप रूरल एरिया से हो, गाँव से बिलोंग करते हो और आपके जो भी गाँव में ब्रांचेस है वहाँ के स्विफ्ट कोड नहीं मिल पा रहे हैं। इवन दोस्तों अगर आप वहाँ जो ब्रांच में भी जाइएगा तो भी दोस्तों आपको वहाँ पर पता नहीं चल पाता है कि आपके ब्रांच का स्विफ्ट कोड क्या है। तो मैंने दोस्तों अपने गांव में पता किया था, लेकिन दोस्तों मुझे भी यहां पर पता नहीं चल पाया था कि मेरा जो ब्रांच का स्विफ्ट कोड क्या है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इंटरनेट की मदद लेना होगा। आप इंटरनेट पर एक वेबसाइट है theswiftcodes.com, इस वेबसाइट पर जाकर अपने आस पास कोई भी जो यहाँ पर बड़ा ब्रांच होगा, जैसे कि अभी दोस्तों मैं बिहार में हूँ, तो अगर मुझे किसी भी बैंक का, जैसे मैं मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, अगर उसका मुझे लेना होगा तो मैं यहाँ पर पटना का देख सकता हूँ। पटना का अगर कोई पंजाब नेशनल बैंक है उसका यहाँ पर स्विफ्ट कोड है तो मैं वो स्विफ्ट कोड को यहाँ पर ले सकता हूँ। या फिर दोस्तों कोई भी आसपास के एरिया में कोई भी बड़ा जो ब्रांच है उसका अगर स्विफ्ट कोड है तो उसका स्विफ्ट कोड को मैं यूज कर सकता हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपके आसपास कोई ऐसा ब्रांच है जिसका स्विफ्ट कोड अवेलेबल है, तो आप उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड को अपने अकाउंट में यूज कर सकते हो। तो स्विफ्ट कोड को खोजने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आराम से इंटरनेट पर, या फिर दोस्तों आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप अपने ब्रांच में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आप इन तीन तरीकों से यहाँ पर आजमा कर देखिए, आपको पक्का यहाँ पर जो स्विफ्ट कोड मिल जाएगा आपके ब्रांच का। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डालने के लिए आपका अकाउंट नंबर, और फिर से दोस्तों आपको टाइप करना है आपका अकाउंट नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ फिल नहीं करना है, सब ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हो।
देन इसके बाद आप सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड इसको आप टिक कर दीजिएगा और सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अपना जो भी ऊपर है फिल कर देते हैं सारा कुछ को जो भी हमारे डिटेल है बैंक का। इसके बाद दोस्तों वीडियो में तो गाइस अभी हमने यहाँ पर अपने सारे पर जो बैंक अकाउंट के डिटेल्स है सारे कुछ यहाँ पर फिल कर दिया है। आईएफएससी कोड स्विफ्ट कोड अकाउंट नंबर सारा कुछ आप दोस्तों हमने फिलअप करने के बाद नीचे आना है और इसको टिक कर देना है अगर टिक नहीं है तो, और देन इसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव हो जाएगा आपका अकाउंट डिटेल। तो देखिए यहाँ पर लोडिंग हो रहा है अभी हमारा। अभी गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर दे रहा है हाउ यू गेट पेड में यहाँ पर एक अकाउंट जो बैंक अकाउंट पर ऐड हो चुका है जिसका दोस्तों पर देखिए अभिषेक कुमार नाम से जो कि मेरा नाम है। और जैसे दोस्तों हमारा $100 कंप्लीट हो जाता है उसी मंथ में दोस्तों हमारे बैंक अकाउंट में अभी पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों पर आप एक से अधिक यहाँ पर बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। पर मैनेज पेमेंट मेथड पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आप अपना कोई दूसरा अकाउंट को भी अगर ऐड करना चाहते हो उसमें आप पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। देखिए अभी लोडिंग ले रहा था। तो देखिए एक दोस्तों यहाँ जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारा जो अभी हमने ऐड किया बैंक अकाउंट पहले से। और ये दोस्तों अभी देखिए प्राइमरी है यहाँ पर आपको शो हो रहा है देखिए प्राइमरी है ये। और इसके अलावा दोस्तों पर आपका ऐड पेमेंट मेथड यहाँ कि आप कोई दूसरा अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके दोस्तों आपको देन वही सारा फॉर्म फिलअप करना होगा। ये बैंक अकाउंट नेम डिटेल्स वगैरह जो भी है सारा फिल करना होगा और सेव करने के बाद आपको फिर से आप एक नया अकाउंट को इसमें ऐड कर सकते हो। और दोनों में सब दोस्तों जो भी प्राइमरी रखोगे उसी में आपका पैसा $100 कंप्लीट होने के बाद ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सिंपल स्टेप से अपने एडसेंस में अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो और जब भी दोस्तों आपका थ्रेशोल्ड कंप्लीट होगा आपके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बस दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा इस तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।